हरियाणा में पहली बार बीजेपी ने लिया प्रियंका का नाम। स्मृति ईरानी ने कहा जमीन घोटाले में मिसेज वाड्रा का भी नाम। स्मृति ईरानी ने कहा राहुल को देश को बताना चाहिए कि उनके और प्रियंका वाड्रा के एचएल पाहवा से क्या संबंध। स्मृति ईरानी ने सीधे कहा पहले जीजा का नाम जमीन घोटाले में था, अब उनके साले का भी नाम सामने आया। स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप राहुल के एचएल पाहवा से जमीन खरीदी, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल, 50 करोड़ की डील हुई। बीजेपी ने दस्तावेज दिखाकर राहुल गांधी से मांगा जवाब, डील में राहुल गांधी को बताया सबसे भ्रष्ट। आम आदमी पार्टी ने जलाया बीजेपी का साल 2014 का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में बीजेपी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया गया था। मैनिफेस्टो जलाने के बाद केजरीवाल ने मोदी और अमित शाह को बताया देश के लिए खतरनाक। केजरीवाल ने राहुल गांधी से लगाई गुहार, हरियाणा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और आप साथ मिलकर लड़े चुनाव। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर किया हमला, बोले जम्मू कश्मीर में बर्बर तरीके से 45 की हत्या हुई, सरकार ने इन्हें बचाने के लिए क्या किया। राहुल गांधी ने पूछा प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, रफेल पर बोले प्रधानमंत्री सबसे भ्रष्ट आदमी। रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी नेताओं ने की चुनाव आयोग से मुलाकात, पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग, राहुल पर लगाया पीएम मोदी के लिए अनर्गल बातें करने का आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मांग, कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को किसी भी तरह से इलेक्शन ड्यूटी से हटाया जाए। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। पूरन देवी हत्याकांड में सजा काट चुके शेर सिंह राणा ने बनाई राजनीतिक पार्टी, पार्टी का नाम रखा राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया मोदी सरकार पर हमला, न नौकरी न रोजगार, अर्थव्यवस्था का बंटा धार। कांग्रेस ने किया साफ एसपी बीएसपी से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं। केजरीवाल ने ट्वीट में अमित शाह को बताया गुंडा, लिखा शाह के इशारे पर, दिल्ली पुलिस हमारे कॉल सेंटर बंद करने की धमकी दे रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा लोकसभा चुनाव की वजह से असम में नहीं रुकेगी एनआरसी प्रक्रिया, 31 जुलाई की आखिरी तारीख। कर्नाटक के हासन में रैली के दौरान छल के देवगौड़ा के आंसू, बोले उनका रिश्ता काफी पुराना है इस जगह से। मसूद अजहर पर चीन का नया पैतरा, मसूद अजहर के जेश से संबंधों को लेकर चीन ने मांगा सबूत। भारत सौंप चुका है सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर के ऑडियो टेप, ऑडियो टेप में मसूद अजहर खुद को बता रहा है जैश चीफ। पिछली बार भी चीन ने मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने में लगाया था अड़ंगा। मसूद अजहर पर सख्त अमेरिका, कहा मसूद अजहर पर बैन नहीं लगा तो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। अमेरिका ने माना मसूद अजहर कई आतंकी वारदात में था शामिल, मसूद अजहर पर बैन लगाने को अमेरिका तैयार। पुलवामा हमले के बाद पाक आतंकी और जैश सरगना के खिलाफ भारत की घेराबंदी को लेकर निर्णायक दिन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो सकता है मसूद अजहर। 10 दिन पहले अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाया गया प्रस्ताव, आज सदस्य देश रखेंगे अपनी राय। प्रस्ताव को लेकर चीन की राय पर होगी सबकी नजर, चीन ने ऐतराज नहीं किया तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो जाएगा मसूद। भारत की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर कूटनीतिक तेजी, विदेश सचिव विजय गोखले ने है अमेरिका के दौरे पर। विजय गोखले ने अमेरिकी गृह विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की चौतरफा घेराबंदी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में उठाया पुलवामा हमले का मुद्दा। जिनेवा में चल रही यूएनएचआरसी की बैठक, भारत की तरफ से पहली सचिव मिनी कुम्मम ने पाकिस्तान के बयान का पर दिया जवाब। जवाब में परवेज मुशर्रफ और दुर्रानी के बयान का किया गया जिक्र, भारत ने कहा मौजूदा विदेश मंत्री ने भी माना कि अजहर मसूद का ठिकाना पाकिस्तान में। कश्मीर के राजनयिक कार्यकर्ताओं ने की पुलवामा हमले की निंदा, आतंकवादी कैंपों को खत्म करने की अपील, 1947 में भी किया था हमला। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी ने कहा पाकिस्तान कश्मीर में भड़काना चाहता है हिंसा, अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। पुलवामा में आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या, सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादी ठिकाने का पता चला, एक शख्स गिरफ्तार। सुरक्षा बलों को ठिकाने से मिला ग्रेनेड समेत गोला और बारूद और हथियार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू। चेन्नई में छात्र से
की राहुल गांधी की ने मुलाकात। वाड्रा के सवाल पर बोले राहुल, पूछताछ में कोई परेशानी नहीं, लेकिन राफेल पर मोदी से भी हो पूछताछ। राहुल बोले देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक विचारधारा देश को तोड़ने की जा रही है राजनीति। चुनाव में बल्क SMS करने पर बढ़ेगा उम्मीदवार का खर्च, चुनाव प्रचार खत्म होने पर SMS करने की पर चुनाव आयोग रखेगा नजर। आप विधायक प्रकाश जरवाल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में टली सुनवाई, पुलिस पर हमला करने का आरोप। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर हार्दिक पटेल की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट कर सकता है सुनवाई। बीजेपी नेताओं को चुनाव आयोग से झटका, अभिनंदन की तस्वीर फेसबुक से हटाने का आदेश। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने फेसबुक पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर की थी साझा, ईसी ने फेसबुक को भी किया सूचित। बीजेपी सांसद ने सेना के जवानों के पोस्टर से पाटा जयपुर, सेना की फोटो के साथ लिखा घर में घुसकर मारा। सेना के पोस्टर पर कांग्रेस का पलटवार, बोली चुनाव आयोग नहीं की परवाह नहीं करती बीजेपी। चुनाव आयोग ने पहले ही जारी किए थे निर्देश, प्रचार में सेना की तस्वीरें की ना करें इस्तेमाल। मिशन महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का प्लान तैयार, शिवसेना के साथ बीजेपी की 6 पॉइंट रैली। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ होंगे स्टार प्रचारक, बैठक के बाद तय हुई रणनीति। मायावती के कांग्रेस को समर्थन न देने के ऐलान पर केशव प्रसाद मौर्य ने किए सवाल, बोले अमेठी और रायबरेली में क्या खड़ा होगा BSP प्रत्याशी। कश्मीर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज, बोले कश्मीर को आपकी नजर लग गई वजीर आजम। अजमेर में ख्वाजा के दर पहुंची राहुल गांधी की चादर, अशोक गहलोत सचिन पायलट ने चढ़ाई राहुल की चादर। राफेल मामले में रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी, कोर्ट से मिला समय। गुजरात दंगों के एक दोषी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, गुजरात सरकार से मांगा विस्तार से दस्तावेज। MP में कमलनाथ सरकार ने देसी दुकानों पर विदेशी शराब बेचने की योजना को दी मंजूरी, शिवराज ने बताया अनर्थकारी कदम। DGP की नियुक्ति पर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, जिन अधिकारियों के न्यूनतम 6 महीने बचे हों उनके नाम पर विचार। हिमाचल में पेड़ों की कटाई पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, पूरी तरह से लगाया गया बैन। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के फरार आतंकी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्राइविंग करते नींद आने से पलटा ओवरलोड पिकअप, 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। मेरठ में नलकूप विभाग में दिन दहाड़े जेई की हत्या, हाथ पैर बांध कर काटा गला। लखीमपुर खीरी में पुलिस थाने से भागा छेड़छाड़ का आरोपी, 1 किलोमीटर तक दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ा। बाराबंकी में नकली डीजल बनाने के कारखाने का भंडाफोड़, 1000 लीटर के रूसी ऑयल बरामद। रायबरेली में शादी के दौरान मातम, सनकी ने मंडप में घुसकर प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद भी मारी गोली। UP के अमरोहा में पुलिस ने तेज की धरपकड़, अवैध तमंचे और चाकू के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में पुलिस और नवीन खाटी गैंग के बीच मुठभेड़, हैप्पी नाम का बदमाश कार समेत गिरफ्तार। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। बिहार के हाजीपुर में बीजेपी नेता के घर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पंजाब के संगरूर में आपके उम्मीदवार भगवंत मान का विरोध, सरपंच ने की मान के खिलाफ नारेबाजी, वीडियो वायरल। कोटा में ऑनलाइन ठगी के 3 मास्टरमाइंड केरल से गिरफ्तार, 25 लाख की लॉटरी का दिया था झांसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी लैंडस्लाइड, 12 दुकानों तक पहुंचा नुकसान। MP के शिवपुरी में देर रात अनाज मंडी में लगी भीषण आग, एक दर्जन दुकानें जलकर खाक। झारखंड के रामगढ़ में कार ने मारी डंपर में जबरदस्त टक्कर, 1 की मौत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक घर में लगी भीषण आग, सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग। बागपत में चुनाव से पहले बड़ी शराब की तस्करी, 20 लाख की शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में बारातियों से भरी बस पेड़ से टकराई, 8 लोगों की मौत। दिल्ली के शाहदरा में एक ही दिन में चोरी की 3 वारदात, CCTV में कैद। राजस्थान के बर्रा में मंचलों से निपटेगी लेडी पुलिस, स्कूटी पर महिला पुलिस करेगी पेट्रोलिंग। अमरावती में पिकनिक मनाने गए छात्र हादसे का शिकार, 1 छात्र के डूबने से मौत। बिहार के रोहतास से अगवा लड़की की का 1 लाख में सौदा, बाढ़ के रेड लाइट एरिया से बना हुआ। पश्चिम गोदावरी में ऑडी कार से 30 किलो सोना जब्त, 2 लोग लिए गए हिरासत में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में गाड़ी में मिला 80 लाख कैश, मालिक के पास नहीं था जवाब। दिल्ली के गोविंदपुरी में मिशन मुक्ति फाउंडेशन के साथ पुलिस की
कार्रवाई, 11 बच्चों को कराया गया आजाद। यूपी के सोनभद्र में टिकट कलेक्टर पर यात्रियों से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल। ईडी के मुताबिक 7 में से 3 लोगों के पास था। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात अपराधी मनोज इमलिया गिरोह से मुठभेड़, 6 गिरफ्तार लेकिन सरगना मनोज फरार। दिल्ली के कल्याणपुरी में 2 गुटों में पथराव, कई लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के पन्ना में मिली अधजली लाश, अभी तक पहचान नहीं। कानपुर में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, आरोपी ने फेसबुक पर डाला था फर्जी अश्लील फोटो। पटियाला में कर्ज से परेशान किसान ने दी जान, 3 एकड़ की जमीन का था मालिक। मुरादाबाद से सहारनपुर रेल मार्ग पर पटरी से उतरी मालगाड़ी, रेल सेवा पर असर। यूपी के बाराबंकी में ज्यादा वजन की वजह से आफत में पड़ी घोड़े की जान, लोगों ने मिलकर बचाई जान। दिल्ली में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई शिकायत, दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली पुलिस पीआरओ पर मारपीट का आरोप। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा का बयान, बोइंग 737 तब तक नहीं उड़ेंगे जब तक सुरक्षा मानदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे। इथोपिया विमानराज चक्रवात, भारत में भी बोइंग 737 मैक्स की उड़ानों पर बैन, डीजीसीए का फैसला। डीजीसीए के फैसले को स्पाइस जेट ने किया लागू, स्पाइस जेट के पास 12 और जेट एयरवेज के पास 5 बोइंग 737 मैक्स। इथोपिया हादसे के बाद कई देशों में इस विमान पर लगाई गई रोक, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और सिंगापुर में भी बैन। इथोपिया विमान हादसे में 157 लोगों की हुई थी मौत, 2018 में इंडोनेशिया में यही विमान हुआ था हादसे का शिकार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।